क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और राज्य के पशु संवर्धन दुग्ध विकास क्रीड़ा और युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार का जन्मदिवस सामने शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भगत एडवोकेट श्रीकांत पांडे भूतपूर्व नगर उपाध्यक्ष गोपाल घटे आदि मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति में भव्य केक काटकर अपने लाडले नेता का जन्मदिन मनाया। वहीं श्री साईनाथ ब्लड बैंक सक्करदरा नागपुर के डॉक्टर संजय वार्गव ने और डॉक्टर राहुल भोयर के मार्गदर्शन में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन कर अपने लाडले नेता के प्रति समर्पण भाव और अपने दायित्व के प्रति निष्ठा का उदाहरण पेश किया। मंत्री सुनील केदार के जन्मदिवस के अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी के बस स्थानक स्थित कार्यालय में आयोजित इस भव्य रक्तदान शिविर में शहर के सभी पदाधिकारी और युवाओं में काफी उत्साह का वातावरण निर्माण होकर हर कोई रक्तदान कर समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने और अपने लाडले साहिब को रक्तदान कर सच्ची बधाई प्रस्तुत करने को ललायत था, जिससे शुरुआती दो घंटे में करीब 50 यूनिट रक्त रक्तदाताओं से संकलित होकर आयोजकों का 101 यूनिट रक्त संकलन का लक्ष्य अवश्य पूर्ण होने का विश्वास शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन जायसवाल ने जताया। वहीं शहर कांग्रेस सचिव विजय बसवार और युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश खंगारे ने भी रक्तदान करने वाले दानदाताओं का आभार माना। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक नीलेश पटे, दीपक बसवार, तेज सिंह साहबजी, प्रोफेसर साहेबराव विरखरे, प्रोफेसर कमल भारद्वाज, डोमा साहब साहबजी, अश्विनी कारोकार सहित सभी कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। रक्तदान एक शिष्टाचार कहलाता है, क्योंकि रक्त कोई फैक्ट्री में कोई कारखाने में तैयार नहीं होता, ये एक इंसान के शरीर में ही तैयार होता है और इसीलिए आज इसकी बड़े पैमाने में जरूरत है। जैसे कि सर्जरी होता है, एक्सीडेंटल केसेस है, उसमें इसकी जरूरत होती है, बाईपास के समय इसकी आवश्यकता होती है, जब थैलेसीमिया पेशेंट को इसकी आवश्यकता होती है, थैलेसीमिया पेशेंट और सिकल सेल पेशेंट को हर 15 दिन में एक महीने में उनको रक्तदान दिया जाता है, क्योंकि अगर उनको रक्त नहीं दिया तो वो पेशेंट एक्सपायर हो सकते हैं। ये एक जन जागृति भी है, लोगों ने खून देना चाहिए और हम लोग ऐसे आयोजन करते रहते हैं। माननीय नामदार श्री सुनील बाबू केदार जो मंत्री है, उनका आज जन्मदिन है, हम लोग इस माध्यम से उन्हें उनके जन्मदिन की शुभेच्छा देना चाहते हैं। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।